कौन सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? पाटाबस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो मैं तो। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिन राज्यों में चुनाव होना होता है उससे पहले उन राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कर्नाटक में आपने देखा किस तरीके से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्योंकि अब तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तो तेलंगाना में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को टारगेट करते हुए बहुत बड़ी बात कह दी है। अमित शाह को यह कहा ऐसे तौर पर कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, जो स्ट्राइक की बात करते हो, तो चीन पर करके दिखाओ, चीन पे अपना दम दिखाओ। ये बात सीधे तौर पर उन्होंने कही है। किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। ये चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक तो होती नहीं, चीन लगातार आंख दिखा रहा है। एआरआई ने बकायदे उनका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए अनुमोदित हुए, ये अमित शाह बोलते हैं कि स्टेयरिंग मेरे हाथ में है। मतलब ये स्टेयरिंग अपने हाथ में बात कर रहे हैं, अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है। ये बोलते हैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मतलब बता रहे हैं कि ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया। तो इसी को कहते हैं कि हम क्या चूड़िया पहनकर बैठे हैं, अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कही कि दम है तो सर्जिकल स्ट्राइक करना है तो चीन में जाके करो ना। चीन बार बार दावे कर रहा है, चीन से बार बार भिड़ंत हो रही है, सेना की भिड़ंत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। वो सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, समझ में आता है कि भैया चीन से कैसा विवाद है। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है तो इतने करोड़ रुपया मंदिर को लगे, बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे तो अरे क्या लुंगी उठा के डरा रहा हमको? जाके तोड़ के दिखा हम मैं तेरे दर को। बाकी जागीर है, जो मुंह को आ बोले तो मैं भी बोल सकता हूँ बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्र निकाल ले तो आरएसएस का खड़े खड़े यहाँ पे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है तब करते, बोलो मैं अकेला खैर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चुड़िया पहन के बैठे हैं? पाटाबस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दम है तो ये कहा कि दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अमित शाह को चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा कि अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके क्यों नहीं दिखाते हो। यह बात ओवैसी ने ओल्ड सिटी का जिक्र करते हुए कही, जो ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक की बात की थी उसी सिटी का जिक्र करते हुए यह बात कही गई। तेलंगाना से हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और अमित शाह पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धार्मिक आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि ओल्ड सिटी की क्या बात करते हैं, अगर दम है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके क्यों नहीं दिखाते हैं। ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर अपनी सांसदी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया और जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी मेरे ऊपर आरोप लगाती रहती है कि स्टेयरिंग मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है। बीजेपी ने मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए पास किए हैं और उसके बाद भी कहते रहते हैं कि मैं रुकावट का हिस्सा हूं। हैदराबाद सांसद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम राजनीतिक दलों पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब जरूरत होती है तो मुसलमानों का यूज किया जाता है और इसके बाद पार्टियों के नेता हमारी कौम से किनारा करने लगते हैं। इस दौरान ओवैसी ने कई पार्टियों का नाम लेते हुए कहा कि लोग बचते हैं कि हमारी फोटो साथ ना आ जाए। आप समझिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। और ओवैसी ने सीधे तौर पर अमित शाह को ये टारगेट करते हुए कहा कि जो वो बात कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, फलाना कर देंगे, दिमागा कर देंगे, तो जरा चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। वैसे चीन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल आंख दिखाने की बात करते थे। प्रधानमंत्री 56 इंच की ताकत की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी हुई सत्ता कमजोर है। अब तो स्वयं सत्ता पर बैठे हुए लेकिन फिर भी चीन की नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं और चीन बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, बार बार झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। और साथ ही साथ कहा कि KCR को ओवैसी ने कहा चचा। ओवैसी ने तेलंगाना के CM को चचा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों KCR तुम्हारे चचा होंगे, हमारे नहीं। बीजेपी कहती है कि तेलंगाना में तो सरकार ओवैसी चला रहा है, इस वजह से हिंदू खतरे में। अरे बीजेपी वालों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तो ताकत के बल पर अपनी बात मनवा लेते हैं। अगर हमारे तेलंगाना में कोई खतरा महसूस कर रहा है तो वो आपकी बीजेपी के लोग हैं, हमारे यहाँ तो सारे हिंदू मुसलमान भाई साथ में रह रहे हैं। ये ओवैसी की तरफ से कहा गया कि हम तो बिल्कुल साथ मिलकर रह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई
दिक्कत नहीं है। एबीपी न्यूज ने भी बकायदे लिखा कि अगर दम है तो चीन पर। अमित शाह के बयान पर ओवैसी के पलटवार, बोले हमें मौत का डर नहीं, हमें मौत का भी डर नहीं है। तेलंगाना के आदिलाबाद में रैली को संबोधित करते हुए एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की चुनौती दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने 30 मई को तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी गृहमंत्री और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने बीजेपी पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि ये बोलते हैं कि हम ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में इतना दम है तो उनकी लीडरशिप वाली सरकार चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देती है। बीजेपी ने मंदिरों के लिए करोड़ों रुपये अनुमोदित किए हैं और उसके बाद भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्टेयरिंग मेरे हाथ में है। अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है तो आपको क्यों दर्द होता है। इसी तरह बात की, अगर मेरे हाथ में स्टेयरिंग है, मेरे हाथ में सारी चीज़ें हैं तो फिर आपको क्यों दर्द होता है। वैसे बोले, तेलंगाना में कांग्रेस नेता कहते हैं कि अगर राज्य में उनकी सरकार आती है तो 100 विधानसभाओं में राम मंदिर बनाएगी और उसको बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए देंगे। फिर भी बीजेपी नेता कहते हैं कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, मुसलमानों का तुष्टिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुसलमान को इस बात से एतराज़ नहीं है कि मंदिरों को पैसा क्यों दिया जा रहा है। अगर पैसा दिया जाना है तो सबको पैसा दो, किसी एक को मत दो। इसी तौर पे कहा जा रहा है कि पैसा देना है तो किसी एक को मत दो, सबको दो, क्योंकि बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। तो ये साफ तौर पर जो बयानबाजी हुई थी उसके बाद ये चीज़ें निकलकर सामने आई। इस दौरान ओवैसी ने बोला कि सत्तारूढ़ बीआरएस की सरकार ने राज्य में ब्राह्मण सदन तो बना दिया लेकिन आज तक मेरा इस्लामिक सेंटर नहीं बनाया है। एक पुलिस वाले ने बुरका पहनी हुई मुस्लिम महिला को थप्पड़ मार दिया, उस पर भी राज्य सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब उल्टा उस बच्ची पर केस कर दिया गया, ये कौन सा इंसाफ है। फिर भी बीजेपी हम पर आरोप लगाती रहती है। उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी का नाम लेकर बीजेपी वाले अपना पेट भरना चाहते हैं तो इसमें मुझको कोई एतराज नहीं है, वे अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमको इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सीधे तौर पर कहा कि हमको इसमें कोई समस्या नहीं, वो जो करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन ये ओवैसी का बयान ये दर्शाता है कि जो अमित शाह ने बयान दिया था, अमित शाह के उस बयान का ये पलटवार है। अमित शाह ने ओल्ड सिटी के बारे में कुछ कहा था तो उसी को लेकर ये बयानबाजी हुई है, उसी को लेकर ये कहा गया है कि भैया आप सर्जिकल स्ट्राइक करने की इच्छा है, सर्जिकल स्ट्राइक चीन पे करो ना। चीन जो बार बार हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बार बार तोड़ रहा है, जो हमारे सैनिकों के साथ मारपीट कर रहा है, उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से। क्योंकि तेलंगाना में आप चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर चुका है, कर्नाटक जहां पर उसकी सरकार थी वहां से भी सरकार चली गई है और अब राज्यसभा का गणित भी बदलता हुआ दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार, यानी दो राज्यों में सत्ता बीजेपी के हाथों से खिसक गई है। अब बीजेपी चाहेगी कि जो पांच राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी अपना बैकअप स्थापित करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कहीं भी मतलब दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार है तो मध्य प्रदेश में भी आहट ऐसी लग रही है कि मध्य प्रदेश सरकार जाने वाली है। तो अब बीजेपी सोच रही है कि वो कोटा यहाँ पूरा कर रहा है। तो तेलंगाना के बारे में जो बयान दिया ओवैसी, वहाँ पहले से ही तैयार बैठे हुए थे ओवैसी, जो कि बोलने में माहिर माने जाते हैं, अपनी बात को पुरजोर तरीके से वो सबके सामने रखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को घेरते हुए कह दिया कि अमित शाह जी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए तो सर्जिकल स्ट्राइक आप करिए कहाँ पर, चीन पे करिए, जो जिससे दिक्कत है वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करिए। उन लोगों को बताइए, समझाइए कि भारत के सरजमी पर अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनको लाल आँख दिखाइए, उनको जो है अपना 56 इंच का ताकत, जो सरकार की ताकत है वो दिखाइए। ये सीधे तौर पर इशारों में बड़ी बातें ओवैसी ने कह दी है। फिलहाल आप देखिए कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां होती हैं तो फिर इस तरीके की भाषा निकलती है और अभी आगे कितनी भाषा और ऐसे निकलेंगी, कैसे कितने अभी और वार पलटवार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।